रिसेप्शन से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज क्या स्पेशल डे है। आज है मेरे बेटे का 4th birthday। तो मैंने उसके फर्स्ट बर्थडे पे, जब उसका पहला बर्थडे था, तो मैंने उसके लिए कुछ क्राफ्ट बनाया था। तो तब मैंने ये नहीं सोचा था कि कभी आप लोगों के साथ या किसी के साथ मैं शेयर करूंगी, बस अपनी खुशी के लिए मैंने बनाया था। तो आज मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने उसके लिए क्या बनाया था। तो ये मैंने कुछ बनाया था, ये एक मतलब स्क्रैप बुक जैसा मैंने कुछ बनाया था, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये उस बॉक्स पे मैंने इसकी छोटी सी फोटो लगाई थी, मतलब एक साल में जितनी भी फोटोज, जितनी भी मेमोरी थी, वो सारी मैंने इसमें कलेक्ट करी हैं। तो ये देखिए, कैप्शन लिखा है, बिकॉज ऑफ यू वी बिकेम अ फैमिली ऑफ 3। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, ये सबसे स्पेशल चीज है इसमें, ये टाइम है। इस टाइम पे मेरे बेटे का जन्म हुआ था, 7:25 शाम के, 7:25। और यहाँ पे कांट वेट, यहाँ पे डॉक्टर ने बताया था कि इट्स अ बॉय आफ्टर डिलीवरी। इट्स अ बंडल ऑफ जॉय। प्रीशियस न्यू अराइवल अध्यांश। स्पेशल चीज है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसे YouTube पे शेयर करूंगी अपने फ्रेंड्स के साथ। ये उसकी फर्स्ट पिक्चर है, जब वो हॉस्पिटल में, जब वो आया था, ये उसकी पहली फोटो है जो ली गई थी। वेलकम टू माई न्यू जर्नी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पिक्चर इज, ये उसकी फर्स्ट होली की है, वो जनवरी में, ये जनवरी में हुआ था, तो पहली होली इसकी पड़ी थी मार्च में। तो ये वो है, माय फर्स्ट होली, सॉरी गर्ल्स, मॉमी सेड नो कलर्स अंटिल 18। ये इसकी फर्स्ट पिक्चर है होली की, पहली होली की फोटो है इसकी, सॉरी। ये उसकी हैप्पी फर्स्ट नवरात्रि, ये मेरे बेटे की पहली नवरात्रि की फोटो है। ये फोटो तो बस वो कुछ 5-6 दिन का था, तब मैंने क्लिक करी थी। सब फोटोज के साथ मैंने थोड़े थोड़े मैसेज लिखे हुए हैं। आई नो कि अभी उसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन शायद वो बड़ा होगा तो उसे अच्छा लगेगा। मे बी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये देखती हूँ। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है, किस डॉक्टर ने, किस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी करी थी, मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है इसमें। ये हमारी पहली फोटो थी हॉस्पिटल में, फर्स्ट फैमिली पिक्चर। ये उसके फुटप्रिंट मैंने लिए थे, ये जब वो घर आ गया था हॉस्पिटल से, जब घर आ गया था तब उसके फुटप्रिंट्स लिए थे। उसके साथ भी छोटे छोटे मैसेजेस हैं। पापा के साथ उसकी फोटो, और ये बहुत स्पेशल है। ये इसकी नानी, हमेशा जब ये छोटा था तो मेरी मम्मी इसको ऐसे ही बात देती थी, कभी फ्लावर से, कभी मिल्क से, हमेशा ऐसे बात इसको देती थी। ये उसके फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे की फोटो है,
ये मेरे बर्थडे की फोटो जिसमें उसने गॉगल पहना हुआ है इधर साइड में, उसने ये तब की उसकी फोटो है। नेक्स्ट डे, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी है, जब भी मैं मतलब अभी 4 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी मैं इसको देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है इसको ऐसे बना के, क्योंकि ऐसे फोटोज तो रहती हैं लेकिन इस तरह से मैंने बनाया और उसके बाद उसमें मैसेजेस लिखे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। जब भी देखती हूँ तो कुछ एकदम नया सा लगता है मुझे। ये जब वो फर्स्ट पहली बार वो कान्हा बना था तब की फोटो है। हर फोटो के साथ मैंने मैसेज लिखे हुए हैं, जब वो बड़ा होगा तो शायद उसे अच्छा लगेगा। ये उसने फ्रॉक पहनी थी तो मैंने उसको फ्रॉक पहनाई थी, तब की फोटो थी। ये पूरे साल भर की उसकी फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीटेड, जितनी भी फोटोज हैं ये सिर्फ 1 ईयर की हैं। पहले बर्थडे पे मैंने उसके लिए ये बनाया था। जब वो जन्माष्टमी थी तभी की सारी फोटोज हैं। ये मैंने कार्ड से फोटो फ्रेम बनाया था, ये शादी का मोस्टली चीजें इसमें जो शादी के कार्ड्स आते हैं मैंने उससे बनाई थी, फोटोज बनवाई थी लेकिन मैंने ये देखे शादी का कार्ड है ये, मैंने इसमें स्टैंड लगा दिया तो ये इस तरह से हो गया है। एक और चीज है, ये भी मैंने कार्ड से ही बनाया है, शादी के कार्ड्स आते हैं तो मैंने ये सारी चीज़ें उसी का रेनबो मैंने किया है, और एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरी, मतलब मेरे लिए तो ये बेस्ट मेमोरी है, तो मैंने उसी सारे कार्ड्स के रीयूज किए, इनके ऊपर कवरिंग करके हैप्पी फर्स्ट बर्थडे को दी। मैसेज लिखा हुआ है हैप्पी फर्स्ट बर्थडे गुगु। ये मैंने इसके लिए लेटर लिखा था। आई नो कि उसे अभी ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा लेकिन फिर भी मैंने अपनी फीलिंग्स लिखी थी, जब वो बड़ा होगा पढ़ेगा तो उसे अच्छा लगेगा। लेटर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेटर है, मैंने सारी फीलिंग्स लिखी है इसमें। जबकि मुझे पता था कि ये भी उसे समझ में नहीं आएगा लेकिन मुझे करने में बहुत मजा आया, मुझे लगा बड़ा होगा तो उसे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी मम्मा ने बनाया है मेरे लिए गिफ्ट। पता नहीं इतने सालों तक ये रखे रहेंगे या नहीं रखे रहेंगे अगर मैं कोई भी गिफ्ट दूंगी इसे, लेकिन ये चीज ऐसी है कि वेरी स्पेशल। ये हर फोटो के साथ मैंने कुछ मैसेजेस लिखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे मैसेजेस, जो भी मैं फील करती थी। ये फर्स्ट क्रिसमस था उसका तो मैंने फोटो ली थी इसकी। लाइफ इज ऑल अबाउट म्यूजिक एंड डांस। उसने कभी प्ले नहीं किया है गिटार, बस वो लेकर बैठा था। ये न्यू ईयर की है, लैपटॉप मेरे बेटे का फेवरेट टॉय है। आई नो कि सभी बच्चों को लैपटॉप से खेलना बहुत पसंद है, उसे बहुत अच्छा लगता है लैपटॉप से खेलना। सो दैट्स इट, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।